हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीता बर्ड्स लवर। में आप देख रहे होंगे कि मेरे जो फिंच हैं उनकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी चल रही है। एक बार में उन्होंने 9 एग निकाले हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे सेटअप पे ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो भी प्रोग्रेस हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है और मैं फ़र्स्ट टाइम ही इनको लाई हूँ, जिसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सब कुछ होगा। ये फीमेल है इसकी और मेल वाइट रंग का है, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। दोनों ने बहुत ही अच्छा अपना घोंसला बनाया है, बहुत ही अच्छे से ये केयर कर रहे हैं। अक्सर ये दोनों साथ में बैठे रहते हैं इसके अंदर। इतना मतलब सब कुछ अच्छा है और इनकी हेल्थ भी अभी भी काफ़ी बहुत अच्छी है। वो सिर्फ इस कारण के मैं इनको एक्सेल दे रही हूँ। मैंने इनके लिए विटामिन्स की मिट्टी बनाई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताऊंगी और किस तरीके से बनाई है ये भी ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं इनको सॉफ्ट फूड भी दे रही हूँ, बॉयल्ड राइस भी दे रही हूँ। सॉफ्ट फूड में मैं इनको भीगे हुए चने वगैरह इन सब चीज़ देती हूँ, जो कि ग्राइंड करके देती हूँ थोड़ा छोटा करके, क्योंकि ये छोटे बर्ड हैं, इनकी छोटी सी चोंच है, इसलिए ये थोड़ा कम खाते हैं, छोटी चीज़ें जल्दी से खाते हैं। मैं इनको फ्रूट भी दे रही हूँ, जो सीज़न में फ्रूट चल रहे हैं मैं वो फ्रूट भी दे रही हूँ, वाटरमेलन भी दे रही हूँ। बाकी ये सब मैं बहुत छोटा छोटा चॉप करके तब इनको प्रोवाइड करती हूँ। ये बहुत ही शौक से खाते हैं। ग्रीन फ्रूट में मैंने इनको थोड़ा सा पालक धनिए में मिक्स करके दिया था, और वो भी मैंने बहुत छोटा छोटा कट करके दिया था, जो कि इनको पालक की तासीर इतना गर्म करके हार्म ना करे, इसीलिए उसमें मैंने धनिया मिलाया था, जिसके कारण ये इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। ग्रीन फ्रूट में मैं इनको सिर्फ अभी हरा धनिया और पालक ही दे रही हूँ, मैं अभी और कोई ग्रीन फ्रूट नहीं दे रही हूँ, इसीलिए क्योंकि अभी सीज़न वैसे तो हरी सब्ज़ी का कभी भी नहीं जाता है, लेकिन जो हरी सब्ज़ियाँ चलती हैं वो अधिकतर गर्म करती हैं और हमारे एरिए में हरी सब्ज़ियाँ इतनी मिलती भी नहीं हैं, इसीलिए मैं जो मिल रहा है मैं वो इनको दे रही हूँ। मैं इनको विटामिन्स का कोर्स भी करा रही हूँ, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाऊँगी, कैसे दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, इस सब के बारे में भी बताऊँगी। और जो भी इनकी प्रोग्रेस हो रही है और भी जो बर्ड जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके भी वीडियो इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। और पानी भी 2 बार चेंज कर रही हूँ, जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसमें ग्लूकॉन डी या फिर ग्लूकोज का ORS का जो आता है ग्लूकोज, वो मिला करके कम क्वांटिटी में मिला करके इनको प्रोवाइड कर रही हूँ, वो ऑफ़र करती हूँ, ये लोग पीते हैं। उसके बाद नहाने का अलग इन लोगों को बर्तन देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है और जो फिंच बर्ड होते हैं ये नहाने के बहुत शौकिंग होते हैं। और आप ये मत सोचना कि उससे हमारे फिंच के एग ख़राब हो जाएंगे, एग नहीं ख़राब होते। अगर गर्मी के कारण एग में बहुत ज़्यादा गर्माहट हो जाती है तो फिंच इस चीज़ के लिए बहुत समझदार बर्ड होता है, वो नहाता है और उस अपने एगों के ऊपर जा कर के बैठता है, जिसका टेम्परेचर मीडियम हो जाता है, बिल्कुल गिरता नहीं है, बिल्कुल सही रहता है टेम्परेचर, उस चीज़ की हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये, अपने एग के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, किसी और बर्ड को अपने पास आने नहीं देते हैं, खुद अपने घोंसले के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, किसी का आना पसंद नहीं करते हैं और बहुत ही केयरफुल होते हैं ये। और फिंच की ये बहुत अच्छी बात है कि अपने के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी पाल लेती है, ये भी बहुत अच्छी बात है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इनमें। इनका मीटिंग करने का बहुत छोटा सा टाइम होता है, जो हमें पता नहीं चल पाता है,
या फिर हम उस टाइम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए इनका मीटिंग करने का भी बहुत छोटा सा टाइम होता है जिसमें हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर इन्होंने घोंसला तैयार कर लिया तो ये अपने आप मीटिंग भी कर लेंगे, और दो बर्ड दो एक जोड़ा मिलकर के अगर एक ही नेस्टिंग कर रहा है तो समझ लेना कि ये पेयर है। इनकी पेयर का भी वैसे कॉलोनी में पता नहीं चलता है, वैसे तो मेरे पास चार पेयर है, ज़्यादा नहीं है, मैंने चार पेयर से ही शुरुआत करी और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप लोग भी करके देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जो कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आप तुरंत देख सकें। और लाइक करें, कमेंट करें, और आप मुझे कमेंट में कुछ भी बता सकते हैं कि मुझे और क्या देना चाहिए या और क्या क्या देती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो आप मुझसे कर सकते हो, या मेरा सेटअप कैसा लगा आप ये भी मुझे बता सकते हैं। इसके लिए गाइस बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पहले रिसर्च करा, फिर इन पे आजमाया, फिर इनका जो रिज़ल्ट देखा है ना वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मेरे यहाँ हो रही है, जो कि फिंच पहले अपना घोंसला इधर से उधर कर रही थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मुझे नहीं पता था ये डिस्टर्ब क्यों हो रही है, मुझे लगा कि शायद यहाँ पर इनको माहौल समझ नहीं आ रहा है इस कारण। तो मुझे बाद में जब महसूस हुआ तो वो महसूस हुआ कि मैं इन लोगों को बार बार देखती रहती थी कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। आप भी समझ सकते होंगे, जब आप नया बर्ड लेकर के आ रहे हो तो आपको भी थोड़ी सी चुल होती है ना कि बर्ड देखें अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इन लोगों को प्राइवेसी बहुत पसंद है, तब जा कर के मैंने इन लोगों को देखना, नज़रअंदाज करना शुरू करा। बस पानी रखा, खाना रखा और थोड़ी सी सफाई करी, और मतलब इनके घोंसले तक जाना ही नहीं था मेरे को, अपना नीचे नीचे से करा और हटा दिया, इतना ही रहता था। दोनों टाइम पानी चेंज करना, एक टाइम खाना दे दिया तो वो पूरा टाइम चल जाया करता था, ऐसी कोई टेंशन वाली बात होती नहीं थी। और जो भी मैंने एग फ्रूट फूड दिया, ग्रीन फूड दिया, ये जो भी दिया मैंने इनको सॉफ्ट फूड में, मैंने वो दिया, दो घंटे बाद तीन घंटे बाद देखा कि हाँ खाया है चाहे नहीं खाया इन बर्डों ने, मैं वापस निकाल लिया करती थी। वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, ये अपना खाना रखते ही आप जैसे ही थोड़ा दूर हो गए ये खा लेते हैं। बाकी मेरे यहाँ के आपने प्रोग्रेस देखी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। और देखिए मतलब हर घोंसले में कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। एक में फीमेल एग देने के लिए तैयार बैठी है, दूसरे में 9 एग आए हुए हैं, तीसरे घोंसले में 2 एग आ गए हैं, उनकी भी शुरुआत हो गई है। भगवान करे बहुत ही अच्छा जाए। ये मेल फीमेल दोनों घोंसले में बैठे हैं, अक्सर ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, जिससे मुझे पता चला कि हाँ अब ये इनका पेयर लग चुका है और ये तैयारी पूरी कर दी है, कुछ दिन में आ जाएंगे इनके एग, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ये लोग एक दूसरे के पर बहुत नोचती हैं अपने घोंसले में डालने के लिए, इनको थोड़ा अच्छा घोंसला बनाना होता है ना, घास से ही कुछ नहीं होता, एक लेयर और ये बहुत ही मुलायम डालते हैं, जिसमें अगर इन लोगों को कुछ मिले ना तो ये एक दूसरे के पर नोचने लगते हैं, पर की एक लेयर लगाते हैं जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा ठीक रहे, उनको घास चुभे ना। बाकी ही आप मेरे बताएं कि ऐसा और किसी वजह से हो रहा है तो वो बता सकते हैं। मेरी एक फ़ीमेल है जो इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो रही है, उसके सर के काफ़ी बाल निकल चुके हैं, शायद और फिंचेस ने उसके बाल खींचे हों, मुझे ऐसा भी लग रहा है, या अपने आप बाल झड़ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आप बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। यही जो फिंचेस देख रहे हैं आप, यही थोड़ा परेशान है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही बेकार हो गई है, काफ़ी अच्छा ब्रीड भी कर रही है,
कॉलोनी में इसने अपना घोंसला भी काफ़ी अच्छे से तैयार करा है, अधिकतर उसमें बैठी भी रहती है। और मेरा सेटअप आपको कैसा लगा आप मुझे ये भी बता सकते हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, आप ध्यान से रहें, अपने बर्ड्स को ध्यान से रखें, बाय बाय।